दीप टॉक में आपका आज फिर से स्वागत है। और आज मेरे पास बहुत ही खास मेहमान है, एन अमेजिंग गेस्ट, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओयो रूम्स, रितेश अग्रवाल। आज रात को कितने लोग ओयो रूम्स में सो रहे हैं इंडिया में? तो आज सिर्फ ओयो इंडिया में 1,00,000 से ज्यादा लोग ओयो के बेडरूम्स में सोएंगे। और इतनी बड़ी कंपनी आप संभालते हो, इतने लोगों की नींद आप पर निर्भर है। सो वी विल टॉक अबाउट योर बिजनेस फर्स्ट, बट लाइक आई सेड, ये डीप टॉक तो आपसे हम रितेश को समझने के लिए आए हैं। हाउ ओल्ड आर यू? 28 राइट नाउ। वाओ, कई बार ऐसा लगता होगा कि मतलब मुझे तो एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा से ही पता था, ऐसा नहीं था। मतलब मैं भी, यू वर जस्ट एज कंफ्यूज्ड एज एनी अदर, एनीवन एल्स, राइट? एंटरप्रेन्योरशिप का भी कुछ इवेंट हुआ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो वर्ड, तो मैंने जाके डिक्शनरी में खोजा कि क्या शब्द है, इसका मतलब क्या है। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो शब्द, मैंने सोचा कि यार ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है, कभी ये बनेंगे। Even before selling SIM cards, I actually started selling railway tickets online. आपने अपना IRCTC खोल दिया था? नहीं, तब business भी नहीं था दिमाग में, तब ये था कि कुछ अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है, कुछ अच्छा इंटरनेट पे करना है, अगर उससे पैसे बन गए तो अच्छी चीज है, नहीं तो कोई बात नहीं, खेलना है। हाँ, कुछ नया बनाना है, कुछ नहीं पता था, बस ये था कि कुछ इंटरनेट में करना है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें हो रही है इंटरनेट में, तो क्या मैं भी कुछ कर सकता हूँ क्या इसमें।